दोस्तों जय माँ गंगे, हर हर गंगे गंगा मैया की जय। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस समय हर की पौड़ी का आज का ताज़ा नज़ारा, ताज़ा दृश्य, ताज़ा तस्वीर के साथ आप माँ गंगा दर्शन करें। और दोस्तों इस समय मैं हर की पौड़ी पर हूँ, और दोस्तों मौसम की बात करें तो रात से बारिश हो रही थी, और देखिए आप अभी जाके रुकी हुई है, और मैं आपको टाइम दिखाता हूँ तो 12 बज चुके हैं। तो आपको ले चलता हूँ मैं आगे और दिखाता हूँ आज का खूबसूरत दृश्य। देखिए आप मौसम, देखिए मौसम ठंडा हो चुका है बारिश होने के बाद, और देखिए काफ़ी सारे यात्री श्रद्धालु लोग पहुंचे हुए हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए। और इस समय ठंडी हवा चल रही है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि लगातार 3-4 दिन से धूप थी, और अच्छा खासा मौसम हो चुका था, काफ़ी तेज़ धूप पड़ रही थी दिन में। और इस समय आप देख सकते हैं मौसम ने करवट बदल लिया है फिर, और ठंडी हवा चल रही है इस समय काफ़ी। तो आपको दिखाता हूँ हर की पौड़ी का आज का दृश्य। तो दोस्तों मुझे कमेंट आ रहे थे कि कावड़ यात्रा होगी या नहीं होगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ केस अगर नॉर्मल रहते हैं तो कावड़ यात्रा होगी, अगर केस बढ़ते हैं तो फिर कावड़ यात्रा मुश्किल है। वैसे केस कम हो रहे हैं। और आप इस तरफ से महिला घाट का दृश्य देख सकते हैं, देखिए आप श्रद्धालु आ रहे हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए। आपको श्रद्धालु माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं, ये महिला घाट का दृश्य है। आपको ले चलता हूँ ब्रह्मकुंड घाट पर, नाई घाट पर, घंटाघर घाट पर। देखिए आप आज का खूबसूरत दृश्य, ये देखिए आप। और दोस्तों आप देख रहे हैं सामने ये है ब्रह्मकुंड घाट का दृश्य, और फिर जल स्तर कम हो चुका है, रेत दिखाई दे रही है बीच में। ये देखिए आप, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए आप। और इस समय मैं हूँ घंटाघर घाट पर, वो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है आज है ब्रह्मकुंड घाट का दृश्य। देखिए आप, ठंडी हवा भी चल रही है काफ़ी, और मौसम भी आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखा दिया है, और मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, देखिए आप। और इस घाट पर काफ़ी भीड़ है आज, तो आपको ले चलता हूँ मैं आगे। और दोस्तों आप इस तरफ का दृश्य भी देख सकते हैं, ये देखिए आप, आज काफ़ी ठंड है, ये देखिए इस तरफ जल काफ़ी है, इस तरफ भी जल काफ़ी है पर डुबकी लगाने लायक नहीं है। तो आपको ले चलता हूँ मैं नाई घाट पर, और दिखाता हूँ नाई घाट का दृश्य। और दोस्तों अगर आप आ रहे हैं हरिद्वार की यात्रा पर तो मैंने आपको बता दिया है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं। और मुझे कमेंट में आया था कि RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट चेक हो रही है या नहीं हो रही है, तो दोस्तों बॉर्डर पर और रेलवे स्टेशन पर अब सख्ताई बढ़ा दी गई है, क्योंकि चुनाव का माहौल भी है, चुनाव भी हैं यहाँ उत्तराखंड में 14 फरवरी को, तो बॉर्डर पर मिलिट्री भी है और पुलिस भी है तैनात है, तो गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप ट्रेन से आ सकते हैं और बस से आ सकते हैं, और जिनके पास गाड़ी के पूरे कागज़ हैं तो आप अपनी निजी वाहन से भी आ सकते हैं, बाइक से, कार से। और बाकी रही रिपोर्ट चेक करने की, तो रेलवे स्टेशन पर चेक कर रहे हैं, तो आप चेक करा लें, घबराने कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करा सकते हैं। तो दोस्तों यह है नाई घाट का दृश्य, देखिए आप। तो आपको ले चलता हूँ मैं ऊपर संजय पुल पर, और संजय पुल से दिखाऊंगा मैं आपको हर की पौड़ी का इस तरफ का भी और इस तरफ का भी दृश्य ऊपर से।
और दोस्तों मैं आ चुका हूँ संजय पुल पर, और संजय पुल से आप देख रहे होंगे, देखिए आप काफ़ी सारे यात्री आ रहे हैं। आज ठंड भी है और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है इस समय, देखिए आप। और देखिए आप हरगे पौड़े का क्षेत्र, तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से नाई घाट का दृश्य ऊपर से। काफी भीड़ है आज नाई घाट पर। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, अगर आप आ रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर आइए, आप मास्क का प्रयोग जरूर करें, मास्क लगाए रखें और आप आइए बेफिक्र होकर।